नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय हैदराबाद में है और यहां लोक मंथन 2024 चल रहा है। हमारे साथ नदियों पर काम करने वाली एक बहन है और आपका नाम शिप्रा पाठक है, तो शिप्रा पाठक जी से आइए हम बात करते हैं। शिप्रा मैम, ये जो नदियां हैं, खासकर जो छोटी नदियां हैं, इनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है? नर्मदे हर, पहले तो धन्यवाद कि आपने इतना गंभीर विषय के लिए प्रश्न किए। कोई भी जड़, वो जड़ तभी तक हरी रहती है जब उसकी शाखाएं भी निकलती रहें, और वो शाखाएं तब तक पनपती हैं जब तक वो जड़ मिट्टी में अच्छे से रोपित रहे। तो ये एक समन्वय होता है। तो ऐसा नहीं है केवल छोटी नदियाँ ही ज़रूरी हैं, उन बड़ी नदियों का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उन बड़ी नदियों से ही तो छोटी नदियाँ बह रही हैं। लेकिन उन छोटी छोटी नदियों को अगर हम संभालेंगे तो वो 1000 छोटी नदियाँ मिलके उस बड़ी नदी में जल दे रही हैं। तो मुझे लगता है नदी, तालाब, पोखर, झील या पानी में जो गिलास में पानी है, उस सबके प्रति हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये अपनी संस्कृति संस्कार को बचाए रखने में नदियाँ कहाँ तक कार्य करती हैं, और एक आम व्यक्ति नदियों को संरक्षण करने के लिए क्या कर सकता है? आप खुद सोचिए ना, अपने व्यक्तिगत उदाहरण देकर, कि एक दिन से ज़्यादा क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं, और उस एक दिन में भी कितना बेचैनी होती है। तो कितना ज़रूरी है ये, इसका उत्तर यही है कि एक दिन पानी को हटा कर देखिए। तो आवश्यक है, और प्रति व्यक्ति हमें सतर्कता से इसके पे कुछ करना पड़ेगा। और ये महिलाएं क्या कर सकती हैं नदियों के जल को स्वच्छ रखने में या नदियों को स्वच्छ रखने में? केवल महिलाएं ही क्यों करेंगी, इसमें भी आप लोग वर्ग और लिंग में क्यों बांट रहे हैं? हर व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो, महिला हो, सभी को नदियों को लेकर, जल को लेकर सतर्कता करनी चाहिए। रसोई से लेकर घर की व्यवस्था में महिलाओं का योगदान अधिक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं थोड़ा दायित्व तो और सतर्कता से निभाएं। नमस्कार।